आम आदमी के लिए आई है एक अच्छी खबर। बिल्डरों का बजेगा बैंड, खरीदारों की होगी चांदी। ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि अब घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट एक्ट यानी रेरा 1 मई यानी आज से लागू हो गया है। देश के हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी, जो कानून के मुताबिक नियम कानून बनाएगी। ये जहां आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है, वहीं बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए टेंशन की बात है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने इस कानून को लेकर डेवलपर्स बिल्डर्स के बीच बने खौफ को लेकर कहा है कि ये कानून इस क्षेत्र का बस विनियमन करेगा, न कि उसका गला घोटेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि डेवलपर्स विज्ञापनों में किए गए वादे पूरे करें, उनका पालन हो। अभी इसे केवल 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नोटिफाई किया है। सरकार के मुताबिक इस कानून से एक ऐसे युग की शुरुआत होगी जहां खरीदार बाजार का बादशाह होगा। सरकार ने मकानों के खरीदारों को बचाने और असली निजी रियल एस्टेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए इस कानून को पेश किया है। इस कानून के तहत जुलाई तक सभी प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, साथ ही रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी प्राधिकरण को देनी होगी। यानी अब ये जरूरी हो गया है कि प्रोजेक्ट पूरा होने की तारीख दी जाए। साथ ही अब मकान बनाने वाले बिल्डर्स डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में नहीं लगा सकते। रियल एस्टेट एक्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं बल्कि कॉर्पोरेट एरिया पर करनी होगी। पोजेशन में देरी होना या कंस्ट्रक्शन में दोषी पाए जाने पर बिल्डर्स को ब्याज और जुर्माना दोनों देना होगा। अगर कोई बिल्डर खरीदार के साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा बिल्डर्स को खरीदारों से लिया 70% पैसा प्रोजेक्ट के अकाउंट में ही रखना होगा। यानी कुल मिलाकर घर खरीदने वालों के लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।